तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे ग्लोब बनाता हूँ, ये मान के चलो ये ग्लोब है, और यहाँ पे वी हैव समथिंग नोन एज लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली दीज काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो कि अर्थ और ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, ये ना नॉर्थ है ना साउथ है, ये अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। वन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर। वहीं अगर हम एक और लैटिट्यूड की लाइन ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और अगर मैं नीचे ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड वाली लाइन है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट या फिर स्लैंट रेडिएशन पहुंचती है, तो दिस इज अ वार्मर रीजन। क्लियर। और नीचे में जो है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया से भी पास करता है, क्योंकि इंडिया जो है अगर मैं उसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करूं तो 8 से लेके 37 के बीच में अप्रोक्सीमेटली लाई करता है, तो 23.5 डिग्री यहीं से कहीं से पास करेगा। क्लियर। तो देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इन टोटल इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है। अगर मैं बहुत फैक्चुअल बताऊं, 8 स्टेट से पास करता है। क्लियर। और ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया के मिडिल से ही पास करता है। अगर मैं इन 8 स्टेट्स के यहाँ पे नाम लिखूं, सो दीज स्टेट्स आर, देखो यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के नेबरिंग में वी हैव झारखंड, देन वी हैव छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, अगर आप इसको वेस्ट टू ईस्ट जाओ तो भी यही ऑर्डर है, वी हैव गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव त्रिपुरा बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बिल्कुल, झारखंड बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। गॉट द पॉइंट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन मीट। तो ये जो तीन बेसिकली वाटर बॉडी इज, द बे ऑफ बंगाल इज अ वाटर बॉडी जो कि ईस्टर्न फ्रंट में है, अगेन अरेबियन सी जो वेस्टर्न फ्रंट में है, और इंडियन ओशन जो है ये बोला जाए तो इंडिया का सदर्न पार्ट कवर करता है। तो ये मिलते हैं आपको इन द रीजन ऑफ कन्याकुमारी। ठीक है, और ये बेसिकली इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहां पे ये तीनों बॉडी मिलती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कन्याकुमारी किस स्टेट में पड़ता है, तो दिस इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो आपको क्या करना है ना, देखो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो सार्क नेशंस हैं और जो बीमस्टेक नेशंस हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, बीमस्टेक नेशन जो भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यू शुड नो कि कौन कौन से स्टेट्स उनके साथ में बॉर्डर शेयर कर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली द मणिपुर स्टेट दिस डज नॉट फॉर्म्स अ बॉर्डर, यानी कि बाकी मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम दे फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। क्लियर। अगर मैं आपसे कुछ स्टेट्स का नाम बताऊं तो देखो, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय को एमजी लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद में मिजोरम एंड त्रिपुरा, दीज आर बेसिकली 5 स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो एक ही ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, मणिपुर। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ देता, एक बात बताऊं मुझको, कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ऑप्शन ई वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए एक और चीज जान लो, जब इतना जान ही रहे, तो मणिपुर जो है ना ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है एक कंट्री के साथ, विच इज कॉल्ड म्यांमार। म्यांमार के साथ, जिसे हम अर्स्टवाइल बर्मा के नाम से जानते थे, उसके साथ में मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है। ओके, आगे आओ। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज नेम नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो सिक्किम जो है ना एक इंडियन स्टेट है जो कि इन 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर। बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, नथिंग मोर टू डेल्व डीप इनटू इट। अगले में आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, माउंटेन्स जो होते हैं ना दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास में फोल्ड माउंटेन्स और एक हमारे पास में होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं दीज आर जनरली यंग, यानी कि इसीलिए हम इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ और बताना है इनमें से कौन सबसे न्यू है। देखो अरावली तो एज फार एज आई कैन इंटरप्रेट, सब लोग आप लोग इसको नेगेटिव मार्क करोगे, क्योंकि अरावली जो है ना ये ओल्डेस्ट ऑफ द रेंजेस कही जाते हैं, ओल्डेस्ट ऑफ द रेंजेस।
और ये भी कहा जाता है कि आज जो हिमालय की हाइट है, सम टाइम या फिर सम बिलियन ईयर्स अगो अरावली का भी वही हाइट था, लेकिन यहाँ पे कुछ इरोजनल एजेंट्स ने काम किया और इरोजनल एजेंट्स की काम की वजह से अरावली जो है वो आज रिड्यूस हो चुका है एक छोटे से टीले के रूप में। ठीक है, इसका आंसर है हिमाद्री रेंज। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, लेकिन जो हिमाद्री रेंज है दिस इज अ यंग फोल्ड माउंटेन और द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, और अरावली जो है वो ओल्डेस्ट है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ टिक कर लो, अरावली, नहीं अरावली नहीं, अरावली तो ओल्डेस्ट है, हिमाद्री रेंजेस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले पे आओ। द कुआन हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जब आप हिमालयाज के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पे हम लोग फाइव फोल्ड क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जैसे कि वी हैव राजस्थान हिमालयाज, वी हैव पंजाब हिमालयाज, उसमें से एक पार्ट है कुमाऊं हिमालयाज। ये बेसिकली जो उत्तराखंड वाला रीजन है ना, उत्तराखंड गढ़वाल वाला रीजन, वहां पे कुमाऊं हिमालयाज पड़ते हैं। अब ये पूछ रहा है ये किन दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि इंदस और सतलज के बीच में, जब यहाँ बात चली रही है, तो इंदस और सतलज के बीच में जो माउंटेन रेंज हिमालय की सिचुएटेड है, दे आर नोन एज पंजाब हिमालयस, उनको हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। क्लियर, उसके बाद में एक और चीज याद रखू कि काली और तीस्ता के बीच में वी हैव नेपाल हिमालयस, और तीस्ता और दिहान के बीच में वी हैव असम। लेट मी राइट, अगर मैं यहाँ पे तीस्ता, जिसकी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं इंडिया में, और दिहान के बीच में वी हैव असम हिमालयस, उसके बाद में काली एंड तीस्ता, काली एंड तीस्ता के बीच में वी हैव नेपाल हिमालयस। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी बता दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर वन स्टेट। देखो यहाँ माउंटेन रेंज पूछ रहा है, अगर आपसे कोई पीक पूछता ना, वैसे तो पीक भी मल्टीपल स्टेट्स में लाई कर सकते हैं, लेकिन पीक जो है वो जनरली एक स्टेट में लाई करता है, लेकिन माउंटेन रेंज कितना ही बड़ा हो सकता है, वो कितने ही स्टेट के बीच में स्प्रेड हो सकता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो कि केवल एक स्टेट में है? सो दैट इज अजंता। अजंता एलोरा केव्स के बारे में पढ़ा होगा, पता होगा आपको कि ये महाराष्ट्र स्टेट में लाई करते हैं। ठीक है, दे लाई एंटायरली इन द महाराष्ट्र रीजन। क्लियर, चलिए सतपुड़ा रेंज के बारे में भी जान लें। सतपुड़ा रेंज जो है ना, ये सेंट्रल इंडिया का एक रेंज है, तो सेंट्रल इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेट, वी हैव महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसलिए दैट इज नॉट द आंसर। अरावली जो है दे आर वेरी एक्सटेंसिव माउंटेन एंड दे कवर रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड ऑल्सो दिल्ली। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की बात करो, जिसको कि हम सह्याद्री कहते हैं, ये अलग छह या सात स्टेट से होके गुजरता है, तो एक ही आंसर है अजंता केव्स। फॉर द पॉइंट, अगले पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड। जब भी ये नॉट रहे ना, इसको प्लीज एक डिफरेंट पेन से आप वहां पे मैच कर लेना। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे पासेस के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है ये पासेस किस स्टेट में लाई करते हैं। यहाँ ऑप्शन है नो, नॉट, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेला उत्तराखंड। ठीक है, जो सेला पास है ना, ये उत्तराखंड में नहीं होके दिस इज इन अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है, और बाकी सारा क्लियर है। ठीक है, नॉट एन इश्यू। चांगला जो पास है वो लद्दाख में है, बोमडिला पास अरुणाचल में है, और रोहतांग पास जो है वो हिमाचल में है। ठीक है, नॉट एन इश्यू, क्लियर, आगे बढ़िए। सियाचिन ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, 2021 यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो सबसे पहले जान लो कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ईस्टर्न काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में सबसे पहले, और ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली बहुत ही फेमस चोक पॉइंट है, बहुत बार आपने सुना होगा इसको। तो एक तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपने क्लियर कर दिया। थोड़ा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते हैं, दिस इज द हाइएस्ट बैटल फील्ड, और ये क्या करता है ना, सेंट्रल एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डिवाइड करता है। क्लियर, और ऑल्सो सेपरेट करता है पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम इंडिया। इसमें एक बहुत फेमस रिज है जिसका नाम है साल्टोरो रिज, नाम जान लो, कभी पूछा जा सकता है साल्टोरो रिज। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डायरेक्ट लिंक्स पीओके और चाइना के बीच में, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है अपर एरियाज में सिचुएटेड है, और चाइना जो है ये भी यहाँ इसके बीच में एक मतलब क्या बोलूं आपको, डिवीजन टाइप का क्रिएट करता है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल मी इन द ऑप्शन या इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शाजकाम वैली, शाजकाम वैली व्हेन इट कम्स टू ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की रेस्पेक्ट में शाजकाम वैली से आप लोग क्या समझते हैं, गॉट द पॉइंट। अगले क्वेश्चन में आइए, सैडल पीट द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान। देखो
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ना हमने बेसिकली तीन पार्ट्स में या दो पार्ट्स में हम इसको तोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया, एक देखो, एक है अंडमान आइलैंड्स और एक है निकोबार आइलैंड। अब निकोबार में भी हमने इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ, अंडमान को भी हमने डिवाइड किया हुआ है। एक नॉर्थ अंडमान है, एक मिडिल अंडमान है, निकोबार में भी वन इज अ ग्रेट निकोबार, वन इज अ लिटिल निकोबार। तो जो सैडल पीक है, सैडल पीक, ये अंडमान एंड निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये अंडमान एंड निकोबार के कौन से पोर्शन में लाई करता है, तो ये लाई करता है नॉर्थ अंडमान। क्लियर? थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार के बारे में जान लो। देखो ये जो है ना अंडमान एंड निकोबार, दिस इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, यानी बे ऑफ बंगाल के आसपास वाला जो पार्ट है वहां पे ये सिचुएटेड है, और ये 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप। क्लियर? जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 550 आइलैंड जो है वो अंडमान ग्रुप में है, एंड ओनली 22 इज इन द निकोबार ग्रुप, यानी स्मॉल निकोबार में सिर्फ 22 के आसपास आइलैंड है। सैडल पीक के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यू शुड नो व्हाट इज द हाइट ऑफ सैडल पीक। इसकी हाइट है 732 मीटर, टू बी वेरी प्रिसाइज। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सर क्रीक डिस्प्यूट को लेके, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, सर क्रीक डिस्प्यूट जो है ये किन दो कंट्रीज के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान ने अब तक अगर बोला जाए तो फॉर्मली फॉर्मली वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं थ्री वॉर्स में इन्वॉल्व थे, कुछ लोग बोलते हैं फोर वॉर्स में इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडो पाक वॉर के बारे में भी थोड़ा सा जान, इंडो पाक वॉर। तो जो पहला इंडो पाक वॉर है वो 1947-48 के टेन्योर में हुआ था। ये किस बैकड्रॉप में था? ये कश्मीर के एक्सेशन के बैकड्रॉप में था, ठीक है। क्या था कि जो कश्मीर के उस टाइम पे रूलर थे महाराजा हरि सिंह, इन्होंने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन नहीं किया था। तो इसके बैकड्रॉप में पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्वेडर्स जो है वो सेंड किए कश्मीर में, और उसके चलते ये पूरा अपना फियास्को बना। दूसरा था 1965 का वॉर, देन 1971 का वॉर, जो कि हम लोग फेमसली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और यहां से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। अगला है 1998 का कारगिल वॉर। चलो एक बचा 1965, तो छोटा सा चीज जान लो कि 65 में कुछ सर क्रीक का रेलेवेंस है, दैट्स इट। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूट है। जब हम यहाँ सर क्रीक के बारे में जान रहे हैं तो ये भी जानो सर क्रीक बेसिकली है क्या। तो सर क्रीक जो है ना ये टाइडल एस्चुरी है, यानी एक वाटर बॉडी टाइप का है, ठीक है। दिस इज अ टाइडल एस्चुरी, और इसका जो लेंथ है दैट इज 96 किलोमीटर। क्लियर? ये क्या करता है, ये इंडिया के तरफ से गुजरात स्टेट और पाकिस्तान के एंड से सिंध स्टेट को सेपरेट करता है। क्लियर? और दोनों कंट्रीज जो है ये इस एग्रीमेंट में नहीं है कि सर क्रीक का जो डेमर्केशन है वो कहां से होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज इन शॉर्ट द एंटायर डिस्प्यूट। अगले में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया। तो कई लोग जो है इसमें हो सकता है कश्मीर को मान ले, कुछ लोग हो सकता है कोहिनूर को इकोनॉमिक रेलेवेंस से जोड़ के और कुछ क्लियर कर दें, लेकिन इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। क्लियर? क्योंकि जो वर्ल्ड फेमस कोहिनूर है ना ये हमको आंध्र प्रदेश की एक माइन से मिला था, और वो एक बहुत फेमस माइन है, कोलूर माइन। दैट इज वाई आंध्र प्रदेश इज नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया। ये इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। चलो अगले पे आए, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, यानी कि देखो इंडिया जो कंट्री है इसमें स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो किस कंट्री का मैक्सिमम स्टेट्स के साथ बॉर्डर है? तो ये वो स्टेट है जहां पे, एक हिंट देता हूं आपको, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन रिसाइड करती है, ठीक है, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट है। अब चलो, अब अगर मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश जो है वो बॉर्डर शेयर करता है विथ 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। इन 8 स्टेट्स का अगर नाम बताना है चलो बताता हूँ आपको, दे आर राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उसके बाद में वी हैव बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इन सभी के साथ ये शेयर करता है। क्लियर? इसमें दिल्ली जो है वो एक यूटी है और बाकी 8 हमारे स्टेट्स हैं। आगे बढ़े, विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है? तो देखो मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, ये सारे 7 सिस्टर्स के पार्ट है। सिक्किम जो है ना, सिक्किम, लेट मी रिमाइंड यू, सिक्किम जो स्टेट है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। आगे देखा जाए,
पार्ट ऑफ विच स्टेट और कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनसीआर रीजन। अब आप यहाँ पे इस चीज को अप्रिशिएट करना, दिल्ली के आसपास के रीजन को हम बोलते हैं एनसीआर, यानी नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व है, लेकिन इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि एनसीआर का पार्ट नहीं है? देखो, इसके लिए आप जानो कि दिल्ली को कौन कौन से स्टेट बेसिकली बॉर्डर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने गुरुग्राम का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एरिया है। यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है। तो गुरुग्राम जो है ये हमको पड़ता है हरियाणा में, तो इसीलिए हरियाणा तो चलो एनसीआर का पार्ट है। उसके बाद आप लोगों ने नोएडा का नाम सुना होगा, नोएडा पड़ता है दिल्ली में, और दिल्ली तो इटसेल्फ एनसीआर में आता ही है। एक ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? मध्य प्रदेश। क्लियर। एक और चीज याद रखना कि अपार्ट फ्रॉम दी स्टेट्स, राजस्थान के भी कुछ रीजन जो है वो एनसीआर का पार्ट है। क्लियर, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव ऑफ अंडमान एंड निकोबार आईलैंड? तो इसमें हमारे पास में है रेंगमा ट्राइब। तो रेंगमा ट्राइब जो है ना, ये बेसिकली एक नागा ट्राइब है, एंड दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड एंड असम। नागालैंड एंड असम। क्लियर, चलिए आगे देखिए। इनमें से किस स्टेट या यूटी में हमको जरावा ट्राइब्स मिलते हैं? जरावा ट्राइब्स, तो दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास किया है जहां पे इन्होंने दे हैव बैंड द टूरिस्ट फ्रॉम विजिटिंग द एरियाज इनहेबिटेड बाय द जरावास। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। मोरीबन डेल्टा इज अ सब डिविजन ऑफ विच डेल्टा? तो दिस इज अ सब डिविजन ऑफ बंगाल डेल्टा। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा चीज ये जान लो कि ये जो मोरीबन डेल्टा एरिया है ना, ये हमको पड़ता है साउथ वेस्ट, यानी कि अगर मैं बोलूं दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया, तो साउथ वेस्ट यानी कि यहाँ पे वी हैव द मोरीबन डेल्टा जो रीजन है। ठीक है, और ये गंगा रिवर के ऊपर में मिलता है, एंड दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ लॉट ऑफ ऑक्सबो लेक। कुछ ऑक्सबो लेक के नाम आप जान लो, जैसे कि वी हैव फरीदपुर, वी हैव कुश्तिया, एंड वी हैव जैसोर, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। इंडिया एंड एशिया डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो NDRC है इज बिंग सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एट, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में हम इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर फॉर्म कर रहे हैं? तो ये बेसिकली हम लोग बिहार में बना रहे हैं। बिहार के किस रीजन में? इन द पटना रीजन ऑफ बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, जो मेन थ्रेट है डॉल्फिन का, एक चीज याद रखना, जो डॉल्फिन है ना, ये ऑल्सो दीज आर द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और अभी इनका जो स्पीशीज है ये इंडेंजर्ड है। आपको क्या बताना है इन द कमेंट सेक्शन? यू नीड टू टेल मी द IUCN स्टेटस ऑफ, चलो और एग्जैक्ट कर देता हूँ, गैंगस डॉल्फिन। वैसे डॉल्फिन के बहुत सारे टाइप्स है। वी हैव द इंडस वाटर डॉल्फिन, वी हैव द इरावडी डॉल्फिन। ये नाम से क्लियर है किस रीजन में मिलते हैं। इंडिया में हमको ज्यादा गैंगस डॉल्फिन के बारे में जानना है। आप मुझे इसका IUCN स्टेटस बताओगे, यू विल टेल मी इट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस, एंड ऑल्सो इन विच अपेंडिक्स डज इट लाई व्हेन इट कम्स टू साइट्स। इन तीन के बारे में आप मुझको कॉमेंट सेक्शन में। आगे बढ़े, इंडिया एंड एशिया अगेन रेपिटेशन। विथ विच ड्रेनेज सिस्टम और द रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड? मंदाकिनी किस ड्रेनेज सिस्टम से एसोसिएटेड है? तो ये अलकनंदा से एसोसिएटेड है। छोटी छोटी चलो चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज ये है, मंदाकिनी रिवर जो है इसका ओरिजिनेशन क्या है? इसका ओरिजिनेशन है चोराबारी ताल। चोराबारी ताल, दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ द रिवर मंदाकिनी। ठीक है, इनको कुछ रिवर जो है वो फीड करती हैं। वो रिवर है वासुकी, गंगा, एट विच रीजन? एट सोन प्रयाग। ठीक है, चलो और भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये जो रिवर है ना, ये मीट करती है काली गंगा को नियर द काली मथ टेम्पल। काली मथ टेम्पल पे ये काली गंगा रिवर पे मिलती है, सबसे पहला चीज। उसके बाद में ये अलकनंदा के साथ मर्ज करती है इन अ वेरी फेमस और जो भारत के तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है, दैट इज बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में वो रीजन का नाम कहाँ है जहां पे ये मिलते हैं? वेरी फेमस रीजन अगेन, रुद्र प्रयाग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक और आखिरी चीज जान लो, जो फेमस पंच प्रयाग और जो बद्री विशाल पिलग्रिमेज है, ये भी अलकनंदा के बॉर्डर पे ही सिचुएटेड है। ओके, अगले क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे मैंने रिवर यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज दी हैं, आपको इनको वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में अरेंज करना है। ठीक है,
तो इसका जो क्रम है वो है, यहाँ पे पहले मैं आंसर मार्क कर दूं, दैट इज 4-3-2-1, यानी कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट में वी हैव चंबल रीजन, ठीक है, उसके बाद में वी हैव सिंध, देन वी हैव बेटवा एंड देन वी हैव केन। केन बेतवा तो बहुत फेमस है अपने रिवर इंटरलिंकेजेस की वजह से, ठीक है। तो जो चंबल रिवर है इसका थोड़ा ओरिजिनेशन जान लो, इनमें सबसे फेमस रिवर यही है, ये ओरिजिनेट करता है नियर द महू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि नॉर्थवर्ड यानी कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है? तो ये है सोन रिवर। अगेन थोड़ा ओरिजिनेशन जान लो, सोन रिवर का जो ओरिजिनेशन है दैट इज इन अमरकंटक, ये अमरकंटक में ओरिजिनेट करती है इन द मध्य प्रदेश रीजन एंड फ्लोज टुवर्ड्स गंगा, और गंगा को ज्वाइन करती है पटना के आसपास। इसके और भी कुछ साउथवर्ड्स ट्रिब्यूटरीज हैं विच यू शुड रीड ऑन योर ओन बिहाफ। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो जो गंडक रिवर है ये यूपी से पास नहीं करता है, क्यों? क्योंकि नेपाल को लीव करने के बाद ये बेसिकली बिहार को रीच करता है और गंगा को ज्वाइन करता है नियर सोनपुर पटना विदाउट एंटरिंग इन टू द यूपी रीजन, ठीक है। लेकिन जो सन है, हिंडौन है, शारदा है, ये सब यूपी से पास करती है। चलो अगला देखो, इनमें से कौन कौन सा ऐसा रिवर है जो कि अरुणाचल से पास करता है? तो वी हैव ओनली सुबनसरी एंड लोहित, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से पास करता है। देखो बाराक रिवर जो है ना, जिसको यहाँ पे मेंशन है, इसका जो सोर्स है दैट इज इन मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी हिल्स, और ये बेसिकली आपको फ्लो करता है थ्रू द रीजन्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम एंड लास्ट असम। इन तीन रीजन से ये पास करता है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज द आंसर। अब अगर मैं आपको सुबनसरी का बताऊं तो ये बेसिकली हिमालयाज में ओरिजिनेट करता है एज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड देन फ्लोस थ्रू असम, क्लियर। रोहित लोहित रिवर जो है इसका ओरिजिनेशन जान लो, लोहित रिवर जो है ये तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहित रिवर जो है तिब्बत में ओरिजिनेट होता है और ये अरुणाचल प्रदेश से पास करता है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, असम रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। रीजन देखो क्या है, रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर, इसमें क्या सही है? बोथ ए एंड टू आर करेक्ट, इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है, जो तीस्ता है ना ये पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन अगेन गंगा इज ऑल्सो हिमालयन रिवर, और हिमालयन रिवर का एक फीचर होता है रिवर कैप्चरिंग, जिसके चलते क्या होता है, मोर द रिवर इज मोर एक्टिव इन द यूथफुल स्टेज, लेकिन उसके बाद में जो रिवर है वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, जिसके चलते वो दूसरे रिवर से मर्ज करता है। व्हाट द पॉइंट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले में देखते हैं, नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट व्हाइल मोस्ट लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि नर्मदा जो है वो एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, इसीलिए जो मैक्सिमम पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर दे फ्लोज टू द ईस्ट, बट द नर्मदा रिवर बीइंग इन अ रिफ्ट वैली ये वेस्ट की तरफ मूव करती है, क्लियर। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, रिवर कावेरी इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ। थोड़ा ओरिजिनेशन जान ले, ये ओरिजिनेट करता है हमको ब्रह्मगिरी हिल से, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट करता है, ये कहाँ पड़ते हैं, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स पे, और गोदावरी को हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा, गोदावरी का नाम है बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अगेन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर रिवर की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, और ये कहाँ सिचुएटेड है, एक बहुत अगेन फेमस प्लेस है त्रिंबकेश्वर, त्रिंबकेश्वर, अब ये कहाँ पड़ता है, इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी पेनिनसुलर इंडिया की एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा, ओके। अगले में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कट्स अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालय, हिमालय की जितनी भी रेंज है इनमें से केवल सतलज रिवर जो है वो कट करती है, सतलज रिवर जो है ना ये राइज करती है फ्रॉम द राकस लेक, राकस लेक कहाँ प्रेजेंट है, इन द तिब्बत रीजन, तिब्बत रीजन में प्रेजेंट है।
फिर उसके बाद में ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश थ्रू शिपिकाला, ठीक है, और उसके बाद में अगेन सबसे पहले दिस इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, और ये बाद में रिवर ब्यास को ज्वाइन करती है हरिके में, ज्वाइंस रिवर ब्यास इन हरिके, ठीक है। तो ये हमने इसकी पूरे पाथ को ट्रेस कर लिया है, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द सतलज रिवर, क्लियर।